हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन आर्टिकल पर बेस्ड मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है। इसमें हम उन सारे ही जो भी आर्टिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं गाइस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपीएससी प्री एग्ज़ाम एमपीएससी के प्री एग्ज़ाम, या दूसरी जो भी स्टेट की सर्विसेज के एग्ज़ाम्स प्री एग्ज़ाम्स मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या आता है, इसमें हम बात करते हैं कि जो भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम उनके नेम के बारे में, कि उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके बारे में हम इसमें इस आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 2 जिसमें कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 हमें ये बताता है कि कौन से नए स्टेट्स बने हैं, किनका नया एडमिशन हुआ है, या जो जो नए स्टेट्स की स्थापना हुई है उनके बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 जो कि हमें ये बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ अ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। मतलब आर्टिकल 3 के तहत ये आता है कि नए स्टेट्स का गठन करना, जो भी नए राज्यों को बनाना, ठीक है, अल्ट्रेशन करना उनके एरियाज़ को, यानी कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके एरियाज़ को बड़ा करना, ठीक है, कौन कौन से एरिया उनके अंदर आएंगे, या उन एरियाज़ को छोटा कर देना, यानी कि वो हो जाता है अल्ट्रेशन। एंड बाउंड्रीज़ यानी कि दो स्टेट्स के बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज़ होंगी, मतलब कि एक चीज़ एक जगह को एक प्लेस को डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये प्लेस ये इलाका इन दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्री है। और जो नेम्स हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट ऑलरेडी हैं उनके नेम्स को लेकर के, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो आर्टिकल 3 के तहत आती हैं। अब है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इसमें हम उन लॉज के बारे में बात करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में लागू करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 12 से लेके 35 तक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि 12 से लेके 35 तक जो भी आर्टिकल्स आएंगे दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इनमें सारा डिटेल दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आर्टिकल 14 यानी कि ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, मतलब कि किसी भी कानून से पहले ही इक्वालिटी मिलना, बराबर का अधिकार मिलना, ठीक है गाइस। इसमें क्या है कि किसी भी इंसान को जन्म से स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, यानी कि कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि कोई इंसान जैसे कि जन्म से कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। हायर कास्ट में पैदा हुआ है तो लोअर कास्ट में है तो उसे कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेकर के किसी भी इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेज यानी कि स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी उसके जन्म से, ठीक है, ठीक है। इसमें इस आर्टिकल के तहत क्या होगा कि सारे इंसान जो भी भारत में जन्म ले रहे हैं सब एक समान हैं, उनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक है। अब है सेकेंड आर्टिकल, उसके बाद है आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, रेस को लेके, सेक्स को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को ले करके या फिर उनके जन्म स्थान को लेकर के, ठीक है। हम किसी भी जगह पर पब्लिक प्लेस में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लाइक होटल हो, ठीक है, या जो बाथिंग घाट होते हैं यानी कि रिलीजियस घाट होते हैं जहाँ पर रिलीजियस स्नान कहा जा सकता है, धार्मिक स्नान हो सकता है, वो कुएं हो गए, टैंक हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गए, इन सब चीज़ों पर हम, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर एक इंसान को एक एक बराबर का अधिकार, एक बराबर की का मौका मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अगर ये बंदा अपर कास्ट का है या थोड़ा पैसे वाला है तो इसको पार्शलिटी की जाएगी, और वो गरीब है यानी कि छोटी कास्ट का है तो उसको मतलब कि कम आका जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर इंसान को उसकी काबिलियत के बल पर जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कंपटीशन फाइट करे और आगे बढ़े, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल 16 कि किसी को भी रिलीजन, रेस यानी कि धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स की मेल एंड फीमेल है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, इन सब चीज़ों के, उसका बर्थ प्लेस क्या है, इन चीज़ों के आधार पर हम उसे उसके साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। और रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की विचारधारा है हम लोगों के बीच में, हमारे समाज में, ठीक है, उसका खंडन करना, यानी कि छुआछूत कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि छोटी कास्ट के जो लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग, उन्हें अपने मंदिरों में नहीं जाने देते थे, ठीक है। एक कुएं से हम पानी नहीं, वो पानी नहीं पी सकते थे, या जो समारोह होते हैं, शादी समारोह या कोई धार्मिक समारोह है, वहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते, बिकॉज हम ऊँची कास्ट के लोग वहाँ पर हैं। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी छुआछूत, ठीक है, उनके घर में जाके पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उनको टच नहीं करने देंगे, ठीक है। बड़े अपर कास्ट के लोगों के सामने छोटे कास्ट के लोग बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें थी बेवजह की चीजें, ठीक है ना, इन सब चीजों का खंडन किया गया, ठीक है। और एबोलिशन ऑफ अ टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल, और किसी भी इंसान को टाइटल लगाने का हक नहीं है मिलिट्री यानी कि आर्मी और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा, ठीक है। जैसे कि एकेडमिक और आर्मी टाइटल्स, और जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और नेशनल अवार्ड्स, इन सब के अलावा और कोई टाइटल नहीं लगा सा जा मतलब कि लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन ये क्या है, आर्मी और एकेडमिक टाइटल्स हैं भारत रत्न, ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अब है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ अ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस एंड मीडिया एंड द पीपुल्स राइट टू नो, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19 हमें ये बताता है कि हमें आज़ादी है, ठीक है, इसके तहत हमें राइट्स दिया जा रहा है, यानी कि हमारा अधिकार है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का हमें फ्रीडम दी जा रही है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस और मीडिया की फ्रीडम है, यानी कि लोगों को हक है जानने का, ठीक है। एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्रोटेक्ट करना लाइफ को और उन्हें पर्सनल लिबर्टी देना, ठीक है, किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन के तहत, ठीक है, उन्हें यानी कि उन्हें ये हक देना कि उन्हें एक डिग्निटी के साथ जीने का हक है, ठीक है, उन्हें राइट है एक शेल्टर का, रहने का हक है, एक लवलीहुड प्राइवेसी का हक है, उन्हें एक फ्री लीगल एड राइट है, उन्हें हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंट का राइट है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब आर्टिकल 21A, ये क्या बोलता है कि राइट टू द एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये अधिकार है, ठीक है ना, राइट टू द एजुकेशन, एक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इसको 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 के तहत इसको राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का ये इसको लेके आया गया आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है। अब है आर्टिकल 25, यानी कि फ्रीडम ऑफ अ कंसाइंस एंड ए फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है। इसके तहत क्या है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ अ कंसाइंस, यानी कि अंतर आत्मा की सुरक्षा, ठीक है। फ्री प्रोफेशन यानी कि मुक्त पेशा, ठीक है, हमारी इच्छा कि हम किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अभ्यास और धर्म के प्रचार की
फ्रीडम, अभ्यास और धर्म के प्रचार की फ्रीडम, यानी कि अगर एक देश है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम हिंदू देश है तो यहाँ पे केवल हिंदू ही धर्म चलेगा, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, तो हर किसी को इतना राइट है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 30 के तहत क्या है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज जो कि अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसी, जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, यानी कि इन्हें राइट है कि इनके लिए इस्टेब्लिश किया जाए, स्थापना की जाए और उन्हें चलाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32, ठीक है गाइस, आर्टिकल 32 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको बोलते हैं रिमिटाइज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्रिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इसे बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, यानी कि हमारे संविधान का दिल और आत्मा है, ठीक है, इस आर्टिकल को, बिकॉज ये क्या करता है कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है ये आर्टिकल, ठीक है। इसमें क्या है कि इस आर्टिकल के थ्रू किसी इंसान को इतना हक है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है गाइस। और रिट्स का मतलब क्या है, रिट्स का मतलब है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कोर्ट से मिलता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि आप इन्वॉल्वड हैं एक लीगल प्रोसेस में और एक्सप्लेन करता है कि व्हाट यू मस्ट डू, कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आर्टिकल नंबर 38 क्या है, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है ना। इस आर्टिकल के तहत जो स्टेट हैं यानी कि राज्य है वो उन्हें एक सिक्योर करना चाहिए, ठीक है, एक सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि अपने स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी उन्हें जो हेल्थ मतलब कि वेलफेयर यानी कि वो फैसिलिटीज जिनसे कि उन्हें अपने जीवन को जीने में आसानी हो, ठीक है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, और स्कीम्स आ गई उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, हजर्ट जो हजर्ट वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 38 में आती है। आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ आर्टिकल 40 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापना करना विलेज पंचायत की, इसे हम बोल सकते हैं एक लोकल गवर्नमेंट होती है विलेज लेवल में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम्स निकलती रहती हैं, सरकार निकालती रहती है गाँव के लिए, वहाँ की रोजगार के लिए, तो अब क्या विलेज पंचायत से क्या हुआ कि उन लोगों को डायरेक्टली, ठीक है, उनके पास स्कीम्स आएंगे, डायरेक्टली पैसा आएगा और वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी विलेज पंचायत के सदस्य होंगे वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो भी स्कीम सरकार की तरफ से आ रही है अपने गांव में, ठीक है। एंड आर्टिकल 44 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यानी कि जो कानून है देश का वो हर इंसान के लिए एक जैसा होगा, ठीक है, एक देश एक कानून, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या हायर पोस्ट में है तो उसके लिए कानून अलग होगा, कोई निचले तबके के लोग हैं तो उनके लिए कानून अलग होगा, एक देश और एक कानून, यानी कि जो लॉ है वो हर इंसान के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या है, प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि इसके तहत आता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि बचपना जो है उसकी केयर और एजुकेशन देना जो बच्चे 6 साल से नीचे के हैं, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन होना
प्रमोट करना एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के इकोनॉमी मतलब कि उनकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, उनकी एजुकेशन को लेकर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या जो भी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके लिए वर्क करना। एंड आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि द सेपरेशन ऑफ अ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें न्यायपालिका जो भी काम करेगी, ठीक है, जो भी काम करेगी उसमें सरकार के किसी भी एग्जीक्यूटिव का या किसी सरकारी आदमी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, यानी कि न्यायपालिका एक इंडिविजुअल एक इंटेलेक्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो करके काम करेगी, ठीक है, वो उसका अपना सोचने का दायरा है, अपना काम करने का तरीका है, उसमें बाकी की बाहरी कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालिका के कोई भी लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ अ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि आर्टिकल 51 हमें कहता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, विश्व स्तर पर शांति और सिक्योरिटी को, सेफ्टी को, ठीक है। और आर्टिकल 51A जो कि रिलेटेड है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में मैं आपको एक वीडियो बना के उसे बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगी, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू अ फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 72 इज अ पावर ऑफ अ प्रेजिडेंट टू ग्रांट अ पार्डन, सस्पेंड एंड रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस इन अ सर्टेन केसेस, ठीक है। आर्टिकल 72 जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति को इतनी पावर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, पार्डन यानी कि क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं यानी कि किसी को किसी की जो ये क्षमा याचिका को, ठीक है, दया याचिका पर किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, उसको केस हटा सकते हैं, ठीक है, उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसे उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास इतना जो भी सर्टेन केसेस होते हैं, ठीक है, उन पे उन्हें छोड़ सकते हैं, उनकी सजा को बढ़ा सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं या उनकी सजा को खारिज कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्षमा या क्षमा दे सकते हैं, ये सब इसमें आता है। एंड आर्टिकल 74 इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 74 हमें ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो एडवाइस देगा, एड और एडवाइस दे सकता है प्रेजिडेंट को, ठीक है। आर्टिकल 76 यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमें ये बताता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है, भारत सरकार के जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनका सारा लेखा जोखा इनके पास ही होता है, अटॉर्नी जनरल के पास, ठीक है। और इन्हें इतना राइट होता है कि ये किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हियरिंग्स में जा करके उसे एज अ ऑडियंस उस कोर्ट में बैठ करके सुन सकते हैं एज अ ऑडियंस वहाँ की प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। आर्टिकल 78 हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर ड्यूटीज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एंड ईटीसी, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज यानी कि प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करना, ठीक है, जो भी काम प्राइम मिनिस्टर करना चाहेंगे उसमें प्रेसिडेंट की रजामंदी होना ज़रूरी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करनी पड़ेगी, प्रस्तुत करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने। और आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 110 इट्स अ मनी बिल, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल यानी कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो मनी बिल के अंदर आते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चा जो भी होने वाला है वगैरह वगैरह। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मनी बिल के बारे में बता दूँ कि मनी बिल ऐसा बिल है जिसमें हमें प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत नहीं है, बिना प्रेसिडेंट के रजामंदी के भी ये बिल लोकसभा में पास हो सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 112 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, यानी कि जो बजट आता है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो इसके तहत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 क्या है, द पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो,
ठीक है, आर्टिकल 123 यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को इतनी पावर देता है कि वो घोषणा कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, ठीक है, उसकी घोषणा कर सकते हैं ऑर्डिनेंस की, यानी कि ऑर्डिनेंस बोले तो लॉ, कोई भी लॉ, कोई भी नियम लॉ वो ला सकते हैं, उनके पास इतना अधिकार होता है, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, यानी कि पार्लियामेंट में जब अवकाश चल रहा हो उस दौरान भी, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 143 द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि विचार विमर्श कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 148 इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 148 हमें बताता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ये इंडिया का मतलब कि भारत सरकार के, ठीक है, फंड के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि ऑडिट करते हैं सारे अकाउंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स की, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश से जो डील हो रही है कि उस पर कितना पैसा खर्च हुआ वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की जानकारी इनके पास रहती है, ठीक है। आर्टिकल 149 यानी कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ, कि क्या पावर और ड्यूटीज होती हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। आर्टिकल 155 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर, यानी कि गवर्नर जो कि स्टेट है, राज्य में अपॉइंट होते हैं, उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। आर्टिकल 161 हमें बोलता है कि पावर ऑफ अ गवर्नर, कि गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन्स एंड टू सस्पेंड रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस, जस्ट लाइक एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह ही आर्टिकल 161 हमें बोलता है कि गवर्नर के पास भी इतनी पावर होती है कि वो क्षमा दान दे सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं, सजा को कम या बढ़ा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 163 इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एड और एडवाइस कर सकते हैं, गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं। आर्टिकल 165 द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स, ठीक जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सबसे बड़े जो लीगल ऑफिसर्स हैं, और सेम एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है, इसको भी वो सारे राइट्स होते हैं कि हाई कोर्ट में चाहे स्टेट की जो भी मुंसिप कोर्ट, जज कोर्ट जो भी है, वहाँ पे जाके एज अ ऑडियंस वो हियरिंग्स को सुन सकते हैं। एंड आर्टिकल 167 जो कि चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ को बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स की क्या ड्यूटीज़ है, कि मतलब कि जो भी वो काम करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को उन्हें गवर्नर के सामने प्रस्तुत करना होगा, यानी कि गवर्नर से की भी रजामंदी जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 168 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, यानी कि जो ठीक है लेजिस्लेचर्स की स्थापना करना, यानी कि विधान हम ये बोल सकते हैं कि राज्य विधानसभा की स्थापना कैसे की जाती है, उनके बारे में आर्टिकल 168 में बताया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 169 हमें बताता है कि एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि विधान परिषद, ठीक है, कि कैसे विधान परिषद का खंडन करना और उसका दोबारा से क्रिएट करना, उसके बारे में हमें आर्टिकल 168 में स्टेट्स में जानकारी दी जाती है। आर्टिकल 170 हमें कहता है कि कंपोजिशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, यानी कि विधान सभा का कंपोजिशन कैसे होगा, कैसे गठन किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 171 बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि विधान परिषद का कैसे, विधान परिषद की स्थापना यानी कि उसका कंपोजिशन कैसे होगा स्टेट्स में। गाइस एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है, राज्यसभा को लेकर के, ठीक है, सॉरी राज्य विधानसभा को लेकर के, जो कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है यानी कि राज्यसभा विधानसभाएं हैं वो यूनिकैमरल और बाइकैमरल में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम मैं बात करूं राज्य विधानसभा की, तो उसमें एक गवर्नर आता है, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभा, और राज्य विधानसभा के अंदर, ठीक है ना, आते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, जिसको सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, ठीक है। और जो विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका टर्म होता है 6 ईयर्स का, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका टर्म होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, फिलहाल अभी ऐसे 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल
लेजिस्लेचर है, यानी कि जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड यूपी। ठीक है, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बाइकैमरल का मतलब ये है कि जहाँ पर स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। इट मींस कि जहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा, विधान परिषद भी है, ठीक है, और विधानसभा भी है। तो यानी कि ठीक है, तो विधानसभा जो कि लोअर हाउस है और विधान परिषद जो कि अपर हाउस है, और बाकी जगह जो यूनिकैमरल स्टेट है तो वहाँ पे केवल विधान सभा है। ठीक है, अब है आर्टिकल 172, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो विधान सभाएं हैं, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, कितने साल का होगा, कितना समय की कितने समय का होगा। ठीक है, आर्टिकल 173 हमें क्या बताता है कि क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर्स के, यानी कि राज्य विधानसभा के, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 174 हमें बताता है कि सेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि सत्र के बारे में, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सत्र के बारे में बताता है, प्रोरोगेशन यानी कि उनकी मोहलत के बारे में, एंड डिसोल्यूशन विघटन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 178 यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के बारे में। आर्टिकल 194 हमें कहता है कि पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ द एडवोकेट जनरल, यानी कि एडवोकेट जनरल कि क्या पावर है, ठीक है, उन्हें क्या प्रिविलेज दिया जाएगा, एक स्पेशल अटेंशन और इम्यूनिटी, यानी कि उन्हें किस किस चीज़ से वो बच सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 200 यानी कि असेंट टू बिल बाय द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के द्वारा, ठीक है, अपनी रजामंदी देना किसी बिल पर, यानी कि कोई भी बिल राज्य विधानसभा में तब तक पास नहीं हो सकता जब तक मनी बिल, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को छोड़ करके, जब तक कि गवर्नर की रजामंदी ना हो। सेम प्रेसिडेंट के केस में भी होता है, यानी कि लोकसभा में कोई भी बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि, एक्सेप्ट मनी बिल को छोड़ करके, जब तक कि प्रेसिडेंट अपना असेंट ना दे। ठीक है, आर्टिकल 202 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य सरकारों के बजट के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 210 हमें बताता है द लैंग्वेज यूज्ड, कि कौन सी लैंग्वेज, भाषा का यूज करेंगे हम राज्य विधानसभाओं में। आर्टिकल 212 हमें बताता है कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, स्टेट राज्य विधानसभाओं की, उसके बारे में। आर्टिकल 213 हमें बताता है कि गवर्नर का पावर क्या है। ठीक है, गवर्नर की, हमारे जो गवर्नर्स हैं, ठीक है, राज्य के, उनका किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने में, ऑर्डिनेंस की घोषणा करने में, ठीक है ना, कि ऑर्डिनेंस की घोषणा करना जब स्टेट यानी कि राज्य विधानसभाओं में अवकाश चल रहा हो, तो उस टाइम पे उनके पास इतनी पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस यानी कि कोई भी लॉ या नियम को पास कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 214 जो कि स्टेट्स के हाई कोर्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होंगे। एंड आर्टिकल 226 हमें बताता है कि हाई कोर्ट की क्या पावर है रिट्स को इश्यू करने में। रिट्स यानी कि मैंने आपको एक बताया था, रिट्स का मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ ऑफ कोर्ट से आता है, जो कि हमें ये बताता है कि हम इन्वॉल्वड हैं एक लीगल प्रोसेस में, और हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, और आर्टिकल 239 AA यानी कि ये एक स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में एक स्पेशल प्रोविजन हमें देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स को ढंग से याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज इनमें से 3-4 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब आर्टिकल
243, यानी कि 243 बी, जो कि हमें ये बताता है कि पंचायत का कंस्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, यानी कि पंचायत को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल देता है। सॉरी, आर्टिकल 243 सी, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ पंचायत, ये भी कंपोजिशन की किस तरीके से पंचायत का गठन हो सकता है यही हमें बताता है। आर्टिकल 243 जी, यानी कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी और क्या जिम्मेदारियां होंगी पंचायत की, ठीक है ना। आर्टिकल 243 के, जो कि हमें पंचायत के कैसे इलेक्शंस कैसे होंगे उनके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। आर्टिकल 262 हमें बताता है कि एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर ऑफ अ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, ठीक है ना। तो जो आर्टिकल 262 है ये हमें बताता है कि कैसे मतलब कि हम जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, ठीक है, रिवर को लेकर के, यानी कि ठीक है, उनके न्यायिक उनका न्यायिक निर्णय क्या होगा, जो भी पानी को लेकर के इंटर स्टेट आपस में ही दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है। तो आर्टिकल 263 प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द इंटर स्टेट काउंसिल्स, कि इंटर स्टेट काउंसिल्स का गठन कैसे होगा उसके बारे में हमें बता रहे हैं। आर्टिकल 265 टैक्सेस नॉट टू इम्पोज्ड टू इम्पोज्ड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ अ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 275 इज अ ग्रांट फ्रॉम द यूनियंस टू द सर्टेन स्टेट्स, यानी कि ग्रांट, यानी कि एक तरह से जब स्टेट्स को पैसे की ज़रूरत है, कोई आपदा आ गई, त्रासदी आ गई, या उन्हें कोई स्कीम्स लेके आनी है, तो यानी कि यूनियंस की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वो पेमेंट, यानी कि पैसा देना, फाइनेंशियली हेल्प करना स्टेट्स की। और आर्टिकल 280 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन का एक फंक्शन मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है कि जो ग्रांट इन एड, जो कि यूनियन, यानी कि पेमेंट पैसा दिया जा रहा है केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को, वो फाइनेंस कमीशन के जरिए ही दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 300 ए, जो कि पर्संस नॉट टू बी डेप्रिव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि राइट टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये पहले क्या था, आपका फंडामेंटल राइट था, और जिसे कि फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटा दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि वो पर्संस जो कि वंचित हैं अपनी प्रॉपर्टी से, वो सेव कर सकते हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ से, ठीक है, राइट टू द प्रॉपर्टी, शॉर्ट में बोलें तो ये आर्टिकल 300 ए हमें बताता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 308, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया है। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 311, यानी कि डिसमल एंड रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ द रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन एंड स्टेट यूनियंस और स्टेट, यानी कि डिसमिस करना, हटा देना, रिमूव करना, या किसी भी इंसान के रैंक को लोअर कर देना। सपोज अगर वो, ठीक है, अगर इंस्पेक्टर है तो उसे उसे हवलदार बना देना, इस तरीके का रिडक्शन कर देना, ठीक है, जो उनके बारे में जो भी इम्प्लॉयड है सिविल कैपेसिटी यूनियन, मतलब कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि UPSC, ठीक है। और आर्टिकल 315 हमें बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियंस और द स्टेट्स, यानी कि पब्लिक, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि UPSC, एक तो केंद्र के हिसाब से और स्टेट पीसीएस के बारे में। आर्टिकल 320 हमें बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि कैसे इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंड करेगा, यानी कि कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, डायरेक्शन देगा, यानी कि किस तरीके से इलेक्शंस करवाएगा देश में, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स मैंने वही आर्टिकल्स आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके पेपर्स में जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 330, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, आर्टिकल 330 के तहत रिजर्वेशन होना सीट्स का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में, जहाँ पे कि रिजर्वेशन, यानी कि उन्हें
ठीक है, रिजर्वेशन कर रिजर्व करना सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ताकि तो उन्हें हम आगे ला सकें। ठीक है, आर्टिकल 335 क्या बोलता है, क्लेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू द सर्विस एंड पोस्ट, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं पोस्ट हैं वहां पर क्लेम करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का की जॉब्स के लिए। ठीक है, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू कैसे होगी उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 352 में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आर्टिकल दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज आर्टिकल 356, यानी कि प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट्स द प्रेजिडेंट रूल। ठीक है ना, अगर देखिए आर्टिकल 356 के तहत ये प्रोविजन है कि अगर राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग, यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर स्टेट में यानी कि राज्य में अगर शासन नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट के पास यानी कि गवर्नर के पास इतना अधिकार होता है कि वो लिखित में प्रेसिडेंट को बोल दे कि जो यहाँ की राज्य सरकार है वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट वर्क। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 360 इज अ प्रोविजन टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 360 के तहत हम इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगती है, कैसे लगेगी। आर्टिकल 365 द इफेक्ट ऑफ अ फेलियर टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव द इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियंस अ प्रेजिडेंट रूल। ठीक है ना, मतलब कि इसके बारे में ये दिया गया है कि अगर केंद्र में अगर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर केंद्र में शासन केंद्र सरकार अगर राज्य मतलब कि शासन नहीं कर रही है या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वर्क नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ठीक है ना, केंद्र सरकार अगर फेल है इस तरीके से वर्क करने में तो प्रेजिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है। आर्टिकल 368 इज द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को इतनी पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 370 जो कि टेम्परेरी प्रोविजन था विथ रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को एक टेम्परेरी तौर पर एक स्पेशल प्रीफ्रेंस दी जाती थी, जो कि आर्टिकल अभी आप सब लोगों को याद होगा आर्टिकल 370 एंड 33A जो कि अभी भारत के संविधान से हटा दिया गया है, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 395 तो रिपील्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना, इसके तहत ये बताया गया कि हम रिपील कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं, और अच्छे से इन आर्टिकल्स को पढ़िए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड लक, बाय बाय।